नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान पूर्व पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में उनके समर्थकों ने 45,000 यूनिट से ज्यादा रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया है। पायलट के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में इसके लिए करीब 310 रक्तदान शिविर लगाए थे और अकेले जयपुर जिले में ही करीब 11,000 यूनिट रक्तदान किया गया है। जयपुर विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप मालिक की लूट और हत्या की वारदात के बाद पुलिस ने देर रात ही बड़ी सफलता हासिल की है। वारदात में शामिल 6 बदमाशों की टीम में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 की तलाश के लिए नाकेबंदी जारी है। नाकाबंदी के दौरान इस वारदात का खुलासा हुआ और इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। बदमाश हत्या और लूट के बाद अपनी बाइक छोड़कर कार से नागौर की ओर फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद से ही जयपुर के आसपास के जिलों में पुलिस ने सख्त नाकाबंदी की थी। राजस्थान में जहां पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तारीख तय कर दी गई है, वहीं ग्राम पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संशय जताया है। दरअसल राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों की तिथि की घोषणा न करके मात्र ग्राम पंचायतों के चुनाव की तिथि की घोषणा कर राज्य सरकार ने षड्यंत्र रचा है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में स्कूल बंद रहने से ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिए जाने के कारण मोबाइल फोन व टैब की डिमांड काफी बढ़ गई है। बच्चों की सभी कक्षाएं ऑनलाइन चल रही है, इस कारण बाजार में पिछले 2 माह से स्मार्टफोन व टैब की बिक्री जोरों पर है। ग्राहक अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल खरीद कर दे रहे हैं। मोटे अनुमान के अनुसार ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिलने से बाजार में मोबाइल व उससे जुड़ी एसेसरीज की मांग 20-30% तक की बढ़ोतरी बताई जा रही है। जो लोग नया स्मार्टफोन नहीं खरीद सकते वे सेकेंड हैंड मोबाइल फोन भी खरीद रहे हैं। जेई मेन परीक्षा के बाद अब इसका परिणाम 11 सितंबर को प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक उन छात्रों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एग्जाम नहीं दे पाए थे। जेई मेन के पहले ही दिन कोविड संक्रमित छात्रों को केंद्रों से यह कहकर लौटा दिया गया था कि उनका एग्जाम बाद में होगा। जेई मेन के परिणाम के बाद अगले ही दिन जेईई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे और ऐसे में एनटीए को हर साल 11 सितंबर से पहले एग्जाम करवा लेना चाहिए। मानसून तो भले ही करौली जिले पर पूरी तरह से मेहरबान नहीं हो सका, लेकिन बाजरा की बंपर पैदावार से मंडी बाजार में रौनक आने की पूरी उम्मीद है। जिले भर में 1,24,500 हेक्टेयर में करीब 240 करोड़ रुपए की फसल लहलहा रही है। दरअसल इस बार झमाझम के बजाय रिमझिम बारिश का दौर चला, जिससे खरीफ की फसल पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छी है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो अब बारिश नहीं हुई तो जिले में 1,99,02,000 क्विंटल बाजरा की पैदावार होने का अनुमान है। IEEO प्रमाणन का दर्जा प्राप्त कोटा मंडल का 20 श्रेणी हिंडोन रेलवे स्टेशन वाईफाई हो गया है। कोरोना काल में शुरू हुई इस सुविधा से यात्री मुफ्त में इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए रेल नेट की सेवा प्रदाता कंपनी ने रेलवे स्टेशन पर उपकरणों का इंस्टॉलेशन कर दोनों प्लेटफॉर्म को वाईफाई जोन बनाकर निःशुल्क इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है और इससे यात्री अपने स्मार्टफोन व लैपटॉप पर मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट सेवा उपयोग कर ट्रेन की लोकेशन जानने सहित सोशल मीडिया व ऑनलाइन एंटरटेनमेंट का लुफ्त ले सकेंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज रात जयपुर पहुंचेंगे और आज रात ही जयपुर में ही रुकेंगे। इसके बाद बुधवार से कांग्रेसियों के साथ अलग अलग फीडबैक बैठक करेंगे। इस दौरान कांग्रेस से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे। वह जयपुर संभाग के हर जिले के नेताओं से बात करेंगे और माकन इन बैठकों के जरिए संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, गहलोत सरकार की योजनाओं को धरातल पर और मजबूती से कैसे लाया जाए, इन सब मुद्दों पर भी विचार करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक में बरसात का पानी सहेजने व जमीन का जलस्तर बढ़ाने की शुरू की गई अनूठी योजना रंग लाने लगी है। कस्बे में पेयजल संकट दूर करने के लिए शुरू की गई योजना के तहत बरसात में पहाड़ियों से बहने वाली पानी को रोककर उनका रुख कुओं तक किया जा रहा है ताकि कुओं और उनके आसपास के ट्यूबवेलों का जलस्तर बढ़ सके। योजना के तहत खंडेश्वर व ओडेश्वर मंदिर के पास पहाड़ी से किए जा रहे जल संग्रह के बाद आसपास के ट्यूबवेलों का जलस्तर भी बढ़ गया है। राजस्थान में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर को केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त विभागों अर्ध सरकारी संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिक्षा सचिव श्रीमती मंजू राजपाल ने परिपत्र जारी कर राज्य के समस्त विभागों कार्यालयों अर्ध सरकारी संस्थाओं एवं राज्य के समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में हिंदी दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक किए जाने के निर्देश दिए हैं।
पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहे दो पर्यावरण वैज्ञानिकों ने राजस्थान में तितलियों की दो नई प्रजातियों को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। राजस्थान के ख्यात नाम पर्यावरण वैज्ञानिक और टाइगर वॉच के फील्ड बायोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र खंडाल और दक्षिणी राजस्थान के जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहे पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश शर्मा ने राज्य के सवाई माधोपुर के रणथंबोर बाघ परियोजना क्षेत्र के बाहरी भाग में इन दो तितलियों की प्रजातियों को खोजा है। दिसंबर 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 31,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। पहले प्रशासनिक लापरवाही और उसके बाद कोरोना काल के चलते आज तक इस भर्ती को लेकर न तो पैटर्न जारी हो पाया और न ही विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जारी नहीं होने के चलते अब प्रदेश के करीब 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में हैं। पहले वाले प्रमाण पत्र जहां अब समाप्त होने की कगार पर है, तो वहीं नई भर्ती का पैटर्न जारी नहीं होने के चलते बेरोजगार तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी ने आज फिर से कांग्रेस पर हल्ला बोल किया है। आज प्रदेश के सभी उपखंड पर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया है। राजधानी के चोमू कस्बे में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम अभिषेक सुराना को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल पर वेट सेस और बिजली की बड़ी दरों को कम करने सहित कई अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति में बहुविषयक शिक्षा में स्टीम के अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी इंजीनियरिंग एवं गणित का समावेश किया गया है। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि इसमें कृषि और कंप्यूटर को स्थान देकर स्टीम सी तकनीकी इंजीनियरिंग कृषि गणित कंप्यूटर के रूप में परिवर्तित करने से उच्च शिक्षा और रोजगार परक बनेगी। कलराज मिश्र ने कहा कि अगर राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन सफल तरीके से कर पाते हैं, तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी तथा वर्तमान की चुनौतियों को अवसर में बदलकर भविष्य की आशंकाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।